मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम प्यारे देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसी अजीब बात है कि हम लोग आखरत के बारे में जानते जरूर हैं। हमें मालूम है कि एक ना एक दिन हमें इस जिंदगी में तमाम किए गए अपने अमाल का हिसाब देना होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इस हिसाब के लिए तैयारी करते हैं या फिक्र रखते हैं। अमूमन कब्र के अजाब का सुनकर हम पल भर के लिए डरते जरूर हैं, और फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और फिर दुनिया की दिल फरेबियों में खो जाते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सऊदी शख्स के मुतल्लिक बताने जा रहे हैं जो जन्नतुल बकी में ऐसी कब्र में जिंदा रहता है जिसको उसने अपने हाथों से तैयार किया है। ये सऊदी नौजवान कौन है, इसकी क्या कहानी है, वो ऐसा क्यों करता है, ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मगर दोस्तों, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी करते हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में वाकया जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के शुमाल में 385 मीटर के फासले पर शाराए अल मलकुल फैसल पर जानेबे मशरिक एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिदुल उजाबा है, जहां एक नौजवान अली इब्राहिम अल मूसा इमामत किया करते थे। ये नौजवान निहायत नेक परहेजगार शख्स था और इसका ताल्लुक दूर करीब से शाही खानदान से जाकर मिलता था, मगर इस शख्स को शाही जिंदगी से गर्ज नहीं थी, सो इसने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। 35 साल की उम्र तक इस शख्स ने शादी भी नहीं की थी कि कहीं उसका दिल जरा बराबर भी अल्लाह के हुकाम से इधर उधर ना हो जाए। वो अपना ज्यादातर वक्त इबादत इलाही में गुजारता और सारी सारी रात मस्जिद में इबादत में मशगूल बिता देता था। दोस्तों, सालों पहले की बात है, वो एक तूफानी रात थी और तूफानी बारिश हो रही थी और न जाने कहां से एक मिस्री लड़की जो शायद जायरीन में से थी उस मस्जिद की तरफ आ निकली और बारिश से बचने को मस्जिद में दाखिल हो गई। उसने देखा कि एक खूबरू नौजवान मस्जिद में इबादत इलाही में मशगूल है। बगैर कोई आहट किए वो लड़की चंद साथ खड़ी रही। जैसे ही अली इब्राहिम ने सलाम फेरा, वो लड़की उसके करीब चली गई। अली इब्राहिम, जो पूरी तवज्जो और ध्यान से अल्लाह के हजूर अपनी इबादत में मशगूल था, जैसे ही उसने एक नौजवान खूबसूरत भीगी हुई लड़की को मस्जिद में देखा तो उसने उस लड़की को फौरी मस्जिद से निकलने को कहा, जिस पर लड़की ने उसको बोला कि मैं इस तूफानी बारिश में कहीं नहीं जा सकती, बारिश के रुकने तक मुझे मस्जिद में पनाह लेने दें। अली इब्राहिम ने गुस्सा, मिन्नत और समाजत हर हर बार आजमाया, मगर लड़की ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि बाहर का मौसम देखिए और मैं अकेली लड़की, मुझे बस यहाँ रात गुजारने दिया जाए, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं चली जाऊंगी। इस पर अली इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम मस्जिद में ठहर सकती हो कि एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी और किसी सूरत मेरे साथ बात नहीं करोगी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी दोस्तों, वो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गई। बारिश के बायस पूरी तरह भीग चुकी थी, उसने अपना हिजाब और उबाया उतारा और बाल भी खोलकर सुखाने लगी। इधर जब एक नजर अली इब्राहिम की उस पर पड़ी तो वो कुछ मुस्तरिब हो गया और मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना हाथ उस मोमबत्ती के शोले पर रखता और फिर सिसकियां लेकर हटाता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ कहने से कासे रही। खुदा खुदा करके सुबह हुई। अली इब्राहिम अजान देने के लिए उठा और लड़की से कहा कि वो अब मस्जिद से चली जाए क्योंकि नमाजी आने वाले होंगे, ताकि कोई बदगुमानी ना करे। दोस्तों, लड़की ने कहा कि आपका शुक्रिया, ठीक है मैं चलती हूँ, पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रात भर आप वक्फे वक्फे से अपना हाथ आग पर क्यों रखते थे। दोस्तों, नौजवान ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रात पहली बार मैंने नफस और शैतान और अल्लाह के अहकामात के माबैन शशोपंज में गुजारी। जब कभी शैतान का गलबा होता तो मेरी ख्वाहिश उभरती कि अकेली खूबसूरत जवान लड़की है, अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लूं।
मगर जब अल्लाह से डरता तो अपना हाथ आग पर रख देता और दोजख की आग को महसूस करके तौबा करता कि ये थोड़ी सी आग मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो जहन्नुम की आग मेरा पूरा जिस्म जब भस्म करेगी तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। बस इसीलिए मैं बार बार ये अमल करके खुद को यादहानी करवाता रहा और खुद को बास करता रहा कि गुनाह ना करूं। दोस्तों, वो लड़की तो चली गई, पर अली इब्राहिम के दिल में ये बात बैठ गई कि अव्वल तो उसकी नजर ऐसे लड़की पर उठनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर उठ गई तो क्यों उस पर शैतान आता रहा, क्यों उसकी ख्वाहिश बेदार होती रही। इस एक बात ने दोस्तों उसका चैनो करार छीन लिया था। वो सारी सारी रात अल्लाह से रोकर उस एक नजर की माफी मांगता, वो सोचता कि कैसे वो आखरत और मरना भूल गया। तभी दोस्तों उसने एक अमल को अपनी जिंदगी बना लिया। उसने जन्नतुल बकी में एक कबर अपने लिए मखसूस करवाई, उसे तैयार करवाया और फिर रोज एक घंटे के लिए वो कबर में कफन पहनकर लेटता है और कबर की घुटन को महसूस करता है, कबर को याद करता है और तलावत कुरान पाक करता है। ऐसा वो पिछले 2 साल से कर रहा है और कोई नहीं जानता कि वो ये सब रोज दोहराता है। दोस्तों, सुनने में ये बिल्कुल अजीब और अनहोनी बात लगती है, मगर इस शख्स की इस बात ने हमारे लिए कई सवाल छोड़ दिए हैं कि वो अपनी उस लड़की पर उठने वाली एक नजर से इस कदर पशीमान हुआ और आखरत के डर से कांपता वो रोज कब्र में अपनी मगफरत के लिए तौबा करने उतरता है, और हमारी नजर तो न जाने दोस्तों कितनी बार गुनाह करती है, और औरत को नजर भर कर देखना तो हम अपना फर्ज समझते हैं। क्या हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, या आखरत पर ईमान कमजोर है, या जजा और सजा को नहीं मानते। दोस्तों, ये वो सवाल है जो मैं तो खुद से कई बार इस वाकये और इस शख्स की बात पर पूछ चुका हूँ। हो सके तो एक बार खुद से आप भी पूछिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाएं। अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा करे, हमारी नजर को बेहयाई से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हो सके तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि बेशक हमने एक ना एक दिन उसी की तरफ लौटना है, तो फिर क्यों ना आज से ही, इसी वक्त से ही तैयारी क्यों ना शुरू कर दें कि जब हमसे पूछा जाए इस जिंदगी में हमारे अमालों का हिसाब किया जाए तो कहीं हम पशेमान ना हों, हम शर्मिंदा ना हों। तो इससे बेहतर है दोस्तों कि आज ही उसके अहकामात को अपनी जिंदगी बना लें और उसके अहकामात पर अमल दरामद करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौत्सा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।